40,000 रुपीज़ के आसपास अगर आपका बजट है और आप एक परफेक्ट लैपटॉप कंसीडर करना चाहते हैं जिसमें आपको मल्टीटास्किंग का ऑप्शन मिल जाए और फास्ट प्रोसेसिंग भी मिल जाए, तो इस वीडियो में आपको 5 बेस्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित प्रिथियानी एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर LazyTech। और ये वीडियो रैंकिंग वाला वीडियो नहीं है कि फर्स्ट पे ये है फिर वो है, नहीं। मैं आपको टोटल 5 बेस्ट लैपटॉप्स बताऊंगा 40,000 रुपए के आसपास जो कि एसएसडी के साथ आते हैं, और मैं हर लैपटॉप के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या स्पेशलिटी है। वीडियो के अंदर आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बजट के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, स्पेशलिटी के हिसाब से आपको कौन सा लैपटॉप बेस्ट लगा, उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. Coming to the first on the list, we have the Acer Aspire 5 laptop and इसका प्राइस approximately 39,000 रुपीज। सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पार्ट पे। इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा Intel Core i3 11 जनरेशन प्रोसेसर, 4GB रैम, 256GB आपको SSD मिलेगी, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इसमें आपको MS ऑफिस मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम फ्री। 15.6 इंचेस की आपको स्क्रीन साइज मिल जाएगी एंड इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.65 kg। सो मेनली अगर आप एक वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप कंसीडर करना चाहते हैं या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, आपको स्पेस का इतना यूटिलाइजेशन नहीं है, ज़्यादा स्पेस आपको नहीं चाहिए, 256GB आपको SSD मिल जाएगी जो कि आपको मेनली फास्ट प्रोसेसिंग प्रोवाइड कर देगी, मल्टीटास्किंग का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देगी। उसके लिए आप कंसीडरेशन में रख सकते हैं अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए, आप Acer ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, और साथ ही में आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप भी मिल जाएगा। सो अच्छा खासा ऑप्शन है, इसको आप डेफिनेटली कंसीडरेशन में रख सकते हैं। Coming to the second on the list, we have the HP laptop and इसका प्राइस approximately 41,000 रुपीज़। बट ऑफर्स या सेल के टाइम आपको लैपटॉप से कुछ ना कुछ आपको बैंक ऑफर्स हमेशा मिलते ही रहते हैं, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 39,000 या 40,000 रुपीज़ के आसपास भी ग्रैब कर सकते हैं। एंड इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा Intel Core i3 11 जनरेशन प्रोसेसर, 8GB रैम मिलेगी एंड 256GB आपको SSD भी मिल जाएगी, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाएगा। इसमें आपको 14 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाएगा और इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.46 kg। एंड इस लैपटॉप की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको बिल्ट इन एलेक्सा का फीचर भी मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा खासा बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अपग्रेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप एलेक्सा से कुछ भी पूछते हैं तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, और साथ ही में अगर आपके घर में होम अप्लायंसेस है, स्मार्ट होम अप्लायंसेस, सो एलेक्सा के थ्रू आप लैपटॉप के थ्रू ही सारे के सारे अप्लायंसेस भी एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा अपग्रेड है अगर आपको बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लैपटॉप चाहिए, साथ ही में आपको मल्टी प्रोसेसिंग भी चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, मल्टीटास्किंग चाहिए, ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप डेफिनेटली कंसीडर में रख सकते हैं। कमिंग टू द थर्ड ऑन द लिस्ट, बट लिस्ट में आगे पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं जितनी मैं आपको लैपटॉप्स बता रहा हूं सब में आपको SSD मिलने वाली है। किसी में आपको 256 मिलेगी, किसी में आपको 512 का स्पेस मिलेगा जो कि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम लगे, बट अगर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगानी है, SSD लगानी है, तो उसको भी आप एड ऑन कर सकते हैं। और सारे के सारे लिंक्स SSD के भी, हार्ड डिस्क के भी, लैपटॉप के भी, सारे के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिए, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करके देख सकते हैं। अगर हम आएंगे लिस्ट पे, थर्ड नंबर पे वी हैव द Lenovo ThinkPad एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 42,000 रुपीज़, बट जैसे कि मैंने आपको बताया बैंक ऑफर्स लगा के या कोई भी आप डिस्काउंट लगा के इसको 40,000 रुपीज़ के आसपास ग्रैब कर सकते हैं। एंड इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा Intel Core i3 11 जनरेशन प्रोसेसर, 4GB रैम, 256GB SSD, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, 15.6 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट रीडर के साथ ही आता है एंड इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.7 kg। मेनली इस लैपटॉप के सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड लैपटॉप मिल जाएगा, साथ ही में इसमें आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए इस लैपटॉप को डिज़ाइन किया गया है। अगर आपका ये लैपटॉप थोड़ी बहुत हाइट से गिरता भी है तो आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक प्रोफेशनल यूज़ के लिए बिल्कुल एक सिक्योर लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं, इसमें आपको DOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर आपको एक मेनली सिक्योर लैपटॉप चाहिए, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, शॉक प्रूफ रेडिएशन फीचर के साथ, मेनली मल्टीटास्किंग के लिए लैपटॉप चाहिए, इसको आप डेफिनेटली कंसीडरेशन में रख सकते हैं। Now coming to the fourth on the list, we have the Dell Vostro laptop and इसका प्राइस approximately 39,600 रुपीज़ only। एक नज़र हम डालेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस पार्ट पे। यू विल बी गेटिंग Intel Core i3 10 जनरेशन प्रोसेसर, 4GB रैम आपको मिलेगी एंड इसमें आपको प्लस पॉइंट ये है कि 1TB हार्ड डिस्क के साथ 256GB SSD भी मिल रही है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, 14 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाएगा बिल्ट इन लाइफ टाइम के लिए एंड इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.58 kg। सो मेनली अगर आपको एक हैवी यूसेज के लिए, मीन्स अगर आप ज़्यादा स्टोरेज करते हैं, इसमें आपको अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाएगी। मैं भी पर्सनली डेल लैपटॉप भी काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें आपको प्रोफेशनल यूज़, आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और साथ में कोई अगर आप एडिटिंग भी करते हैं वीडियोज़ या फोटोज़ की, तो स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक अच्छा खासा ऑप्शन है, बस स्क्रीन हो सकता है आपको थोड़ी बहुत छोटी लगे 14 इंच के हिसाब से, बट प्राइसिंग के हिसाब से, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एक अच्छा खासा पैकेज है, इसको आप डेफिनेटली कंसीडरेशन में रख सकते हैं। Now coming to the final on the list, we have the Asus VivoBook laptop and its price is approximately 39,000 rupees and इस price range में आपको मिलेगा Intel Core i3 10th generation processor, 4GB RAM, 512 आपको GB SSD मिल जाएगी, Windows 10 operating system, 14 inches का आपको screen size मिल जाएगा and इसका weight approximately 1.40 kg and इसमें आपको fingerprint sensor का option भी मिल जाएगा। So देखा जाए प्राइसिंग के हिसाब से लैपटॉप आपको काफी हद तक अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। मेनली जो एसएसडी का प्राइस होता है बहुत हैवी एंड पे रहता है, इसलिए जो एसएसडी लैपटॉप्स आते हैं काफी कॉस्टली एंड पे रहते हैं, बट आपको 512 एसएसडी मिल रही है जिसमें आपको बिल्कुल अच्छी खासी मल्टीटास्किंग और फास्ट प्रोसेसिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाएगा फॉर सिक्योर एक्सेस, इसको आप कंसीडर में रख सकते हैं, एक अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। एंड जितने की मैंने आपको लैपटॉप बताया, जैसे कि मैंने बताया, आपने हो सकता है डिसाइड कर लिया हो कि आपके प्राइसिंग के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, स्पेशलिटी के हिसाब से, आपके पर्पस के हिसाब से आपको सा बेस्ट लगा हो। मैंने सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिए, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड कोई भी दिक्कत हो, आप कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 बेस्ट लैपटॉप जो कि आप 40,000 रुपीज के आसपास ग्रैब कर सकते हैं एंड व्हिच आल्सो कम्स विद एसएसडी ऑप्शन। होप यू लाइक दिस वन एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.